राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के अंतर्गत नगरीय निकायों में दुकान संचालित किया जाना था, जिससे लोगों को कम पैसों में महंगी दवाई उपलब्ध हो सके। और बता दें कि इस योजना में वर्तमान में बलौदाबाजार जिला के 9 दुकानों में कुल 25,49,398 रुपए की दवाई बिक्री की जा चुकी है। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर भटगांव सहित कई नगर पंचायतों में धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल दुकानों को खोला ही नहीं गया है, सिर्फ बैनर पोस्टर लगाकर दुकान बंद रखा गया है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर लाखों रुपए की दवाई कहां बिक्री हुई है और क्या वाकई में लोगों को इसका लाभ मिल पाया है। मंत्री जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोला गया, लोगों को किस तरह से लाभान्वित किया जा रहा है? इसमें किसी तरह का किसी को लाभ ही तक नहीं मिले नगरवासियों को, और जब से ये संचालित हुआ तब से ही बंद पड़ा है। लगभग कितने दिन हो गए इसे ओपन हुए? ये कम से कम 1.5 से 2 साल हो गए। तो 1.5-2 साल में अभी तक क्या ओपन हुआ है? ये अभी तक ओपन नहीं हुआ है। जब यहाँ से हम लोग गुजरते देखते हैं, जब भी देखें तब बंद ही पड़ा रहता है। के बारे से मेरे को पूर्णतः जानकारी नहीं है। अप्रॉक्सीमेट 200 होगा। जब से शासन द्वारा लागू किया गया है,